किस तरफ जाना है? राइट में जाना है। राइट में जाने वाले आप आगे आकर फ्री लेफ्ट को ब्लॉक क्यों कर रहे हो? आपकी वजह से कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? आपको ट्रैफिक सेंस नहीं है? सॉरी सर। सर सुबह जॉगिंग करते मैं गिर गया यहाँ पे। सर 5 बजे से चिल्ला रहा हूँ, कोई भी नहीं सुन रहा है। सर मेहरबानी करके मुझे ऊपर उठा लीजिए। सर ये गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सर प्लीज सर आइए। थैंक यू सर। हाँ देखा आपने, उन म्युनिसिपैलिटी वालों की गैर जिम्मेदारी से आप गटर में गिर गए थे। ये लोग बहुत गलत करते हैं। इसमें मेरी ही गलती है सर। वो कैसे? यहाँ का इंचार्ज मैं ही हूँ सर। अरे यार अपनी गलती का एहसास हुआ ना? हो गया सर, अब ऐसी गलती नहीं होगी सर। मैं ही बंद करता हूँ सर इसे। पहले इसे बंद करो। सर इस गजेंद्र को बचाने वाले आप कौन हैं सर? सिटी सर। याद है क्या संडे को डांस? हाय हे जरा किताब दे। नहीं दूंगी। अरे दे ना। नहीं दूंगी मैं। अरे मस्त है यार, सारी किताब खा लिए, देखना जरा मोबाइल देना। नहीं दूंगी मैं, ये मेरे पापा के। अरे दो ना बोला। छोड़ो। अरे बहुत अच्छा है भाई, क्या बात है। अरे आ जाओ मेरी जान। छोड़ो मुझे। बात तो सुन मेरी पहले। थैंक यू सर। सुनिए यहाँ से पुलिस स्टेशन 5 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ से पुलिस यहाँ आने तक तेरी फ्रेंड को। तो हम क्या कर सकते हैं? आप सभी लोग जा करके उन पर अटैक करके उनको नीचे गिरा के उनका बैंड बजाइए। अगर उस मार से वो नहीं भागे तो मुझे पुकारिए, किसी से डरना नहीं, जाइए। थैंक यू सर। योर गुड नेम प्लीज। सिटीजन। सुपर। सेवन फाइव सेवन फाइव। ए मिस्टर, इस तरह से रास्ता रोककर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मेरी बाइक को तुम्हारी कार ने टक्कर मार दी इसीलिए। तुम्हारी बाइक को मेरी कार ने टक्कर मारी? कब और कहाँ? थोड़ी देर पहले उस होटल के पास। मैंने तुम्हारी बाइक को टक्कर नहीं मारी, समझे ना? टक्कर लगी है इसलिए कह रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हारी बाइक को टक्कर मारी है तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगी। अगर ये बात सच है तो गवाह लेकर आओ जाओ। तुमने मुझे किस किया? मैंने तुम्हारी किस ली, कब और कहाँ? हेलो इसीलिए कहता हूँ तीसरा गवाह चाहिए। मैडम अगर गलती की माफी मांगेंगे तो जीवन खुशहाल होता है। हर चीज का गवाह बुला के कहकर सबको बुद्धू बनाने की कोशिश की तो हम खुद बुद्धू बनेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये शायद आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होंगी। क्या हुआ यार, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? पहले तो बाहर से आते ही एकदम खिली खिली लगा करती थी। चुप क्यों हो यार, बोलो ना। अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? आज मेरे साथ अचानक से एक हादसा हुआ। वो सही हुआ या गलत हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इतना घुमा फिरा के क्यों बता रही हो? सीधे से कहो ना कि क्या हुआ, तभी तो मुझे पता चलेगा। तुझ जैसी लड़की को उसने सबके सामने पहली बारी में ही पकड़ के किस कर लिया तो वो कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा। नो डाउट ही इज वेरी क्लेवर। इससे पता चलता है कि तेरे दिल में दर्द नहीं है, लव हो गया तुझे। हाँ यार प्यार क्या होता है ये मुझे पहले कभी नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे कि मैं अपने दिल से ही हार गई हूँ। उसने तो मेरे दिल को ही चुरा लिया। तो ठीक है आगे बढ़ो ना। ओ गॉड, वो कहाँ रहता है पता हो तब ना, क्या करूँ मैं? उसका बाइक नंबर बताओ, एड्रेस मैं पता लगा लूंगी। मेरे पास सिर्फ 2 आंखें हैं, मैं जब उसे देख रही थी तो बाइक का नंबर कैसे देख सकती थी? ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा यार। प्लीज आशा, उसे ढूंढने में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। वेरी सिंपल, सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन? हाँ यार, जाकर उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। इंस्पेक्टर साहब हैं क्या? आप पहुँच जाइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एक गुंडे बदमाश ने दिन दहाड़े मेरी कार रोककर मुझे बाहर निकाला, खुलेआम मुझे अपनी बाहों में ले लिया। अपनी बाहों में लेकर किस करके करने की कोशिश की। ओ किस एंड केस है क्या?
यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। वो जहाँ भी रहे पहले उसे अरेस्ट तो कीजिए सर। कैसा दिखता है? वेल बिल्ट, प्लीजिंग पर्सनालिटी, गुड अपीयरेंस, दिखने में एकदम हीरो की तरह लगता है सर। कंप्लेंट लिख कर दीजिए, केस टेक अप करूंगा। कंप्लेंट लिखने की जरूरत नहीं है सर। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, मैंने ही गलत समझा था। क्या हुआ यार? अरे क्या कर रही है, क्या हो गया बोल तो। रामू वो बच्चा तेरी माँ को लग गया। माँ ए चलो, माँ 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 बात करो, माँ माँ बात करो, माँ माँ मुझे देखो देखो देखो, मैं यहाँ हूँ माँ। वो वो माँ देखो खड़ा है पीछे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मिस्टर, तुम्हारी माँ को इतनी मार लगी तो तुम दुखी हो रहे हो? अगर किसी और को लगती तो उस माँ का बेटा भी दुखी नहीं होता क्या? जी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। ये स्ट्राइक करने के लिए किसने कहा? सर, XML ने हम लोग को लालच दिया था सर, ये स्ट्राइक करने के लिए सर। देखो ये बस किसकी है? सरकार की। सरकार किसकी है? अपनी है सर। मतलब अपनी बस को हम ही पत्थर से मारकर बर्बाद करें तो सरकार फिर से नई बस लाएगी, लाएगी ना, टिकट का दाम बढ़ाएगी ना, उस बढ़ाए हुए दाम को हमें ही भरना पड़ेगा ना। आपकी बात सच है सर। गुड। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने अधिकार के लिए जो चाहे वो करेंगे, अपने हाथों से जो चाहे वो करवाएंगे, वैसे लोगों की बात सुनकर अपने उज्जवल भविष्य को बर्बाद मत करो। समझ गए सर, आज के बाद उन पर विश्वास नहीं करेंगे सर। गुड। मूव। सुनिए माँ जी, बच्चों को सिर्फ जन्म देना ही बड़ी बात नहीं, वो बाहर गए तो वो क्या क्या करते हैं, किसके साथ घूमते फिरते हैं, उन पर नजर रखना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये बात अगर पहले पता चलती तो आज मेरे बेटे के हाथों से मेरा सर नहीं फूटता। इट्स ओके ओके, पहले इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। थैंक यू सर। देखा ना तेरी चॉइस कितनी अच्छी है, तेरे बॉयफ्रेंड को देखकर मुझे जलन होती है। हाथ में आया हुआ निवाला मुँह तक तो आया नहीं, तो मैं लकी कैसी और तुम्हें जलन क्यों? पके हुए आम को पत्थर मारने से वो गिर जाता है। मतलब? अरे पागल, वो खुद से थोड़ी तेरे पीछे पीछे घूमेगा, तुझे ही उसके पीछे घूमना होगा। Yes? तुम? क्या बात है? घर आए मेहमान को बाहर खड़ा रखते हैं क्या? Oh, I am sorry. आइए। Thank you. आइए, यहाँ बैठिए। Thank you. क्या काम था? कल स्टूडेंट स्ट्राइक में जिस लड़के की माँ घायल हुई थी, उस लड़के को समझाने का आपका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। आपकी समझदारी, आपकी इंसानियत बहुत ही प्यारी लगी है मुझे। बाद में? पहली बार मैंने किसी की तारीफ की है, आपका वो रूप मुझे बहुत ही पसंद आया है। उसके बाद? आई लव यू। आप बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो रही हैं। मैं एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हूं, मुझ जैसो के इस समाज में बहुत ज्यादा दुश्मन होते हैं। अपनी उम्र में तो मौत के मौके ज्यादा हैं। मुझसे शादी करोगी तो सुख आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी और से भी शादी करूं तो क्या भरोसा है कि मुझे वहां पर सारे सुख मिलेंगे?